हे गाइस व्हाट्स अप। सो शादियों का सीजन चल रहा है तो आपके घर में भी किसी ना किसी के शादी का कार्ड तो आया ही होगा। अगर हाँ तो क्या आप भी कंफ्यूज हो कि शादी में क्या पहन के जाऊं? वेल डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको 6 शादी आउटफिट आइडिया दूंगा जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डाक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं खुद काला हूं और मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई काले या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी काले या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो शादी में क्या कपड़े पहने वो डिसाइड करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिसकी शादी हो रही है उससे आपका क्या रिलेशन है, मतलब क्या वो आपके फैमिली का सदस्य है जिसकी शादी हो रही है, या जिसकी शादी हो रही है क्या वो आपके दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड के फैमिली मेंबर या पड़ोसी है। ये चीज ध्यान में रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर कोई के शादी के लिए अलग अलग आउटफिट होता है। इसीलिए नंबर 1 आउटफिट जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है कोट पैंट। अगर आपके फ्रेंड के फैमिली में किसी की शादी हो या आपके पड़ोस में किसी की शादी हो आप कोट पैंट पहन के जा सकते हो, पर अगर आपके खुद के फैमिली में किसी की शादी हो तब कोट पैंट मत पहनना क्योंकि उसके लिए अलग आउटफिट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर इसे शादी के अलावा खुद के फैमिली के बाकी सारे रस्मों में पहन सकते हो और आप इसे चाहो तो किसी के रिसेप्शन में भी पहन के जा सकते हो। और कोट बहुत तरह के होते हैं जिसमें से मेरा फेवरेट कोट है वेस्ट कोट, क्योंकि इस कोट का डिजाइन मुझे बहुत स्टैंडर्ड लगता है और इस कोट का मटेरियल इतना लाइट होता है कि आप इसे गर्मी में भी किसी के शादी में पहन के जा सकते हो। और वेस्ट कोट बहुत सारे कलर्स में आते हैं जैसे ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर हमारे स्किन टोन पर जो कलर के वेस्ट कोट अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून और ग्रे। और एक वेस्ट कोट के साथ जो आउटफिट करके आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है एक फुल स्लीव ब्लैक शर्ट, उसके ऊपर नेवी ब्लू कलर का वेस्ट कोट, उसके साथ नेवी ब्लू कलर का फॉर्मल पैंट और उसके साथ ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू और हाथ में ब्राउन कलर का वॉच और कमर में ब्राउन कलर का बेल्ट। शादी में जाने के लिए एक वेस्ट कोट के साथ ये आउटफिट मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देखा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस लुक को ट्राई कर जरूर देखना क्योंकि ये आउटफिट हमारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2 आउटफिट जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है कुर्ता पजामा। ये आउटफिट को आप तभी पहनना जब आपके फैमिली में किसी की शादी हो या आपके फ्रेंड के फैमिली में या पड़ोस में किसी की शादी हो। अगर आपके दूर के रिश्तेदार की शादी हो तब कुर्ता पजामा मत पहनना वरना वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और कुर्ता 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन कुर्ता और एक होता है प्रिंटेड कुर्ता जिसमें तरह तरह के डिजाइन प्रिंटेड किए हुए रहते हैं। तो आप प्लेन वाला कुर्ता लेना क्योंकि आप इसे त्योहार में भी पहन सकते हो और शादियों में भी, पर प्रिंटेड कुर्ता हमारे स्किन टोन को हाईलाइट करती है इसलिए हमें प्रिंटेड कुर्ता नहीं पहनना चाहिए। और एक प्लेन कुर्ता बहुत सारे कलर्स में आते हैं जिसमें से हमारे ऊपर जो कलर के कुर्ते अच्छे लगते हैं वो है ग्रे, मरून, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू और ऑलिव ग्रीन। और कुर्ता कॉटन कपड़े वाले लेना क्योंकि कुर्ता सिल्क और शाइनी कपड़े वाला भी मिलता है और शाइनी कपड़े वाला कुर्ता हमारे स्किन टोन को ज्यादा डार्क दिखाता है इसलिए कॉटन कपड़े वाला कुर्ता लेना। और हाँ, अगर आप शादी में कुर्ता पजामा पहनोगे तो कुर्ता के ऊपर एक नेहरू जैकेट जरूर पहनना क्योंकि अगर आप सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के शादी में जाओगे तो वो बहुत नॉर्मल लगेगा, पर अगर आप कुर्ता के ऊपर एक नेहरू जैकेट पहनोगे तो आप शादी में स्टैंड आउट करोगे और क्लासी लगोगे। और एक कुर्ता पजामा के साथ मेरा जो फेवरेट आउटफिट है शादी में जाने के लिए जिसे आप भी शादी में पहन के जा सकते हो वो एक नेवी ब्लू कुर्ता, उसके ऊपर ग्रे कलर का नेहरू जैकेट और साथ में व्हाइट कलर का पजामा और जूता इस टाइप का पहनना, इसे फॉर्मल जूती कहते हैं, और जूती ब्राउन कलर का पहनना। और हाँ, कुर्ता पजामा सिर्फ शादी, बराती या संगीत में ही पहनना, रिसेप्शन वगैरह में मत पहनना क्योंकि रिसेप्शन में कुर्ता पजामा बहुत ही अजीब लगता है। नंबर 3 आउटफिट जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है शेरवानी। शेरवानी से अच्छा और कुछ भी नहीं है शादी में पहनने के लिए, और एक शादी में शेरवानी से रिच और क्लासी लुक और कोई कपड़ा नहीं दे सकता, इवन की सूट भी नहीं। इसीलिए जब आपके भाई की, भैया की या मामा, चाचा या बुआ की शादी हो तो आपको शेरवानी पहनना चाहिए क्योंकि शादी आपके फैमिली में हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आपके फैमिली के शादी में आपसे ज्यादा रिच और क्लासी और कोई ना लगे। पर हाँ, शेरवानी जब भी पहनना तो उसे टेलर के पास जाके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग जरूर करवा लेना क्योंकि एक फिटेड शेरवानी ही राजा वाली लुक देती है। और शेरवानी के साथ इस टाइप का पजामा पहनना, न कि इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप का पजामा पहनने से हमारा हाइट थोड़ा छोटा दिखता है पजामे में फुलावट होने के कारण, और यही सेम चीज कुर्ते के पजामे के साथ भी करना। और शेरवानी के साथ जो आउटफिट आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है एक नेवी ब्लू शेरवानी, उसके साथ व्हाइट या ब्लैक कलर का पजामा, उसके साथ ब्राउन कलर का फॉर्मल जूती और हाथ में ब्राउन कलर का लेदर वॉच। पर हाँ, शेरवानी थोड़ी कॉस्टली होती है, एक शेरवानी आपको 3,000 से 6,000 के बीच में पड़ेगी। अब आपके फैमिली के शादी में आप इतना खर्चा तो कर ही सकते हो। 4th आउटफिट है ब्लेजर। आप शादी में ब्लेजर पहन सकते हो पर सिर्फ दूसरों के शादी में, जैसे दूर के रिश्तेदार, पर अपने फैमिली के शादी में मत पहनना वरना वो थोड़ा कैजुअल लगेगा। और ब्लेजर को आप रिसेप्शन में भी पहन के जा सकते हो, और ब्लेजर में ग्रे,
ग्रे, नेवी ब्लू, मरून और ब्लैक, यही कलर के ब्लेजर हमें लेना चाहिए क्योंकि ब्लेजर में यही चार कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। और एक ब्लेजर के साथ जो आउटफिट सबसे बेस्ट लगता है वो है एक ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट, उसके ऊपर ग्रे कलर का ब्लेजर, उसके साथ ब्लैक कलर का चीनो और ब्राउन कलर का फॉर्मल शू। और शादी अगर गर्मी में हो तो टर्टल नेक टी शर्ट की जगह आप नॉर्मल राउंड नेक टी शर्ट भी पहन सकते हो। फिफ्थ आउटफिट है एक सूट। सूट आप सिर्फ रिसेप्शन में ही पहनना, शादी में मत पहनना, चाहे वो खुद की फैमिली की शादी हो या किसी और की, क्योंकि सूट शादियों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सूट सिर्फ अपने फैमिली के रिसेप्शन में पहनना, बाकी किसी के भी रिसेप्शन में सूट मत पहनना क्योंकि सूट थोड़ा ओवर ड्रेस होता है। और अगर आप इसे दूसरों के रिसेप्शन में पहन के जाओगे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एक सूट के साथ मेरा जो फेवरेट आउटफिट है वो है एक नेवी ब्लू सूट, उसके अंदर व्हाइट कलर का टी शर्ट या शर्ट और उसके साथ व्हाइट स्नीकर। ये लुक बहुत ही क्लासी लगता है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना। एंड फाइनली नंबर सिक्स आउटफिट जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो वो है एक फॉर्मल शर्ट और एक फॉर्मल पैंट। ये लुक आप तभी करना जब बहुत ही गर्मी हो, क्योंकि बहुत सी शादी गर्मियों में भी होती है। तो गर्मी में शादी हो तो आप ये आउटफिट कर सकते हो, सिंपली एक फॉर्मल नेवी ब्लू शर्ट, उसके साथ एक ब्लैक फॉर्मल पैंट, साथ में ब्राउन कलर का लोफर और ब्राउन कलर का बेल्ट और वॉच पहनना मत भूलना। और हाँ, शर्ट को इन करके पहनना। ये आउटफिट आपको सुनने में थोड़ा सिंपल जरूर लग रहा है, बट जब आप इसे गर्मी में किसी की शादी में पहन के जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये आउटफिट कितना स्टैंडर्ड लगता है शादियों में। पर हाँ, आप इस आउटफिट को अपने फैमिली के शादी में मत पहनना क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल लगेगा। बाकी इस आउटफिट को आप दूसरों की शादी या दूसरों के रिसेप्शन में पहन के जा सकते हो। तो ये थे वो 6 शादी आउटफिट जिसे आप शादी में पहन के जा सकते हो। और इन सारे कपड़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर काले या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।